राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में चार हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। इन सम्मानित हस्तियों में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का नाम शामिल है, जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से कल सम्मानित किया जाएगा। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजेंगी। दरअसल आडवाणी की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें घर जाकर ये सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्पीड ब्रेकर रखा हुआ था, लगा हुआ था, उसको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने स्पीड ब्रेकर को तोड़ने का काम किया जब वो 3 वर्षों की सत्ता में वो काबिल हुए। गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, दुखियों के लिए जो काम किया उसको भारत सरकार ने देखा और श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जो सर्वोच्च अवार्ड होता है उसको देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। शब्द नहीं है कैसे मैं आपको बताऊं, क्या वर्णन करूं। बहुत अच्छा लगा। पूरे इस सेरेमनी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में वहां उस स्थान पर बैठे बैठे आपको धीमे धीमे एहसास होता है कि आज ये कितने ऐतिहासिक पल हैं। और मेरे परिवार के कई परिजन यहाँ पहुँच पाए, कई नहीं पहुँच पाए, सब लोग बहुत खुश हैं। पूरे देश के किसानों तक ये बात पहुंची है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है, उनके हित में लिया है, उनके सम्मान में लिया है। और भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो उनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 में हुई। इनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश का करीमनगर था। 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव और लाइसेंस राज की समाप्ति इन्होंने की और साथ ही इसके भारतीय अर्थनीति में खुलेपन की शुरुआत भी इनके साथ ही हुई। आरबीआई के तत्कालीन अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्होंने वित्त मंत्री बनाया और मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला। 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 6 भाषाओं में पारंगत, हिंदी, मराठी और तेलुगु में इन्होंने कथा साहित्य भी लिखा। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। इनका जन्म स्थान गांव पितौंझिया बिहार का समस्तीपुर था और पितौंझिया गांव का नाम अब कर्पूरी गांव स्वतंत्रता सेनानी। शिक्षक, राजनीतिज्ञ, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे। 1966 से लेकर 68 तक डिप्टी सीएम रहे, साथ ही बिहार के 2 बार सीएम रहे। 1970 में पहली बार और 1977 में इन्हें दूसरी बार सीएम बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर जन नायक के नाम से मशहूर थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये शामिल रहे। 26 महीने तक जेल में काफी यातनाएं झेली और इसके साथ ही गरीबों और पिछड़ों के अधिकार के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी।